लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीटें हारने वाले बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं की सियासत पर खतरा मंडरा गया है। बीजेपी के पूर्व सांसदों और बीजेपी के 5 हारे हुए प्रत्याशियों की सियासत इस समय सड़क पर आ गई है और उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इन नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। सिरसा पर सुनीता दुग्गल का टिकट कटा था। सुनीता दुग्गल ने चुनाव प्रचार में भी कहा कि उनकी नौकरी भी चली गई और अब उनकी सियासत भी खत्म हो गई है। अब सुनीता दुग्गल सड़क पर आ गई हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करें। सुनीता दुग्गल अब रतिया सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी हाईकमान से फरियाद करने वाली हैं, लेकिन अब ये तय नहीं है कि बीजेपी हाईकमान वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर क्या सुनीता दुग्गल को टिकट देगा या सुनीता दुग्गल बीच रास्ते पर ही रह जाएंगी। करनाल सीट के ऊपर मनोहरलाल खट्टर के विश्वास पात्र संजय भाटिया का भी टिकट कट गया और वो इस समय कहीं सीन पे नहीं है। उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि 6.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाले संजय भाटिया को मनोहरलाल खट्टर ने एक बार भी चुनाव में जनता के सामने नहीं किया, क्योंकि उस बात का आभास हो गया था कि अगर संजय भाटिया को जनता के सामने लेकर आया गया तो वो चुनाव हार सकते हैं, इसलिए पूरे चुनाव में उनको पर्दे से पीछे रखा गया। अब संजय भाटिया के लिए दिक्कत इस बात की है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद अपनी सियासत को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि पानीपत के दोनों सीटों पर बीजेपी को बड़ी लीड मिली है, लेकिन संजय भाटिया के प्रति जनता में वोटरों में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि पानीपत सिटी सीट के ऊपर प्रमोद विज का टिकट काटकर बीजेपी संजय भाटिया को टिकट देकर हार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। बीजेपी के लिए एक और सांसद रहे रमेश कौशिक। सोनीपत सीट के ऊपर रमेश कौशिक का टिकट इसलिए कटा क्योंकि उनकी एक विवादित वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। लोकसभा चुनाव में रमेश कौशिक ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल डोली की जमकर खिलाफत की और अपने इलाके में उन्होंने एक विरोध में वोट भी डलवाए। अब रमेश कौशिक की सियासत का खात्मा हो गया है। उन्होंने अपने बेटे को सियासत में लाने के लिए उनकी नौकरी भी छुड़वाई, लेकिन अब वो ऐसी सियासी डगर पर आ गए हैं जहां ना उनकी खुद की सियासत बची है और उनके ना ही उनके परिवार के लिए बीजेपी में कोई सियासत का कोई चैप्टर बाकी बचा है, यानी उनकी सियासत की किताब बंद हो गई है और इसलिए अब रमेश कौशिक भी चौराहे पर आ गए हैं। बीजेपी के लिए हारने वाले प्रत्याशियों की चिंता भी कहीं ना कहीं बड़ी हो गई है। अम्बाला सीट के ऊपर बंतो कटारिया ने सहानुभूति वोटों के बलबूते पर चुनाव लड़ा था। उनके पति रतनलाल कटारिया 3 बार MP भी रहे, लेकिन चुनाव में हारने के बाद अब बंतो कटारिया खाली हो गई हैं, बेरोजगार हो गई हैं, क्योंकि उनके पास भी विधानसभा की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ सके, जहां से चुनाव जीत सके। यानी बीजेपी हाईकमान के पास, हरियाणा बीजेपी के पास भी ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां से बंतो कटारिया को चुनाव लड़वाकर वो उन्हें विधानसभा में भेजने का काम कर सके। बीजेपी के लिए करनाल के साथ साथ अब रोहतक सीट से सांसद रहे अरविंद शर्मा की भी एक सिरदर्दी पैदा हो गई है, क्योंकि अरविंद शर्मा की भी अब कहीं पर भी विधानसभा सीट नहीं है और अरविंद शर्मा खाली रहने वाले नेता नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी हाईकमान के लिए ये सिरदर्दी रहेगी कि अरविंद शर्मा को कहाँ एडजस्ट करने का काम करें, क्योंकि अरविंद शर्मा अब विधानसभा के टिकट मांगेंगे और विधानसभा के टिकट कहाँ से मांगेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अरविंद शर्मा को एडजस्ट करना भी बीजेपी के लिए बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि अरविंद शर्मा ने भी अभी तक लोकसभा में तो कई सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी तक अरविंद शर्मा अनलकी रहे हैं और वो बार बार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अरविंद शर्मा के लिए भी कहीं से कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। सिरसा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर का सियासी करियर भी भंवर में फंस गया है। उनको भी अब रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो चुनाव जीतने की उम्मीद के साथ ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सिरसा सीट के ऊपर कुमारी शैलजा की जोरदार आंधी के कारण उनकी किस्ती डूब गई और वो चुनाव हार गए। अब अशोक तंवर के पास भी विधानसभा की अपनी कोई सीट नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है और विधानसभा में कहीं वर्किंग नहीं होने के चलते उनके लिए भी समस्या ये है कि वो विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ें। बीजेपी हाईकमान और खट्टर साहब भी अब अशोक तंवर को लेकर परेशानी में हैं कि उनको कहां से किस सीट से चुनाव लड़वाने का काम किया जाए। हिसार सीट पर चुनाव हारने वाले रणजीत सिंह के लिए भी अब रानिया सीट पर चुनाव लड़ना मजबूरी हो गई है। वो इस उम्मीद के साथ बीजेपी में गए थे कि वो सांसद बन जाएंगे और 2029 में अपने पोते को सियासत की विरासत सौंपने का काम करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में
बीजेपी के बड़े नेताओं के भितरघात के चलते रणजीत सिंह चुनाव हार गए और अब उन्हें अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने सिरसा जिले की रणिया सीट पर ही चुनाव लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। और ये बीजेपी के बड़े नेताओं की जो समस्या है वो समस्या ऐसी है जिसके चलते जहाँ सांसद टिकट कटने के बाद बेरोजगार हो गए हैं, वहीं चुनाव हारने वाले प्रत्याशी भी अब सड़क पर आ गए हैं। इनमें से ज्यादातर नेताओं के पास अपनी विधानसभा की कोई सीट नहीं है, इसलिए इन नेताओं को खपाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उन नेताओं को टिकट देगी जो जीतने की ज्यादा गुंजाइश रखते हैं। इन 8 चेहरों में से सिर्फ रणजीत सिंह की टिकट ही हम पक्की मान सकते हैं, क्योंकि वो रानिया से वर्तमान विधायक भी हैं और बीजेपी की टिकट पर वो मजबूती से चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन बाकी के 7 नेताओं के लिए किसी विधानसभा टिकट की सीट की गुंजाइश नजर नहीं आती है। सिर्फ सोनीपत सीट से चुनाव हारने वाले मोहनलाल ब्रोली ही ऐसे हैं जो अपनी राय की सीट के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं। वो वर्तमान विधायक भी हैं, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत यह है कि मोदी के नाम पर भी उन्हें अपने ही हलके में महज 2080 वोटों की लीड मिली है और ये लीड इतनी छोटी है जिसे कांग्रेस किसी भी समय काटने का काम कर सकती है। लेकिन फिर भी मोहनलाल ब्रोली के पास इस बात की गुंजाइश है कि वो राय से चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा जीत के लिए कोशिश कर सकते हैं, दोबारा विधानसभा में जाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी 9 नेताओं में से 2 नेता रणजीत सिंह और मोहनलाल ब्रोली ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बाकी के 7 नेताओं का भविष्य वो अंधकार में फंस गया है, उनकी सियासत अधर में लटक गई है और उनको इस बात का कहीं कोई निशान, कोई मार्गदर्शन, कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता है कि अपनी सियासत को अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि लोकसभा की टिकट कटने के कारण 3 पूर्व सांसदों और चुनाव हारने वाले 5 प्रत्याशियों को लेकर अब बीजेपी के लिए ये सिरदर्दी पैदा हो गई है कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दे या ना दे, टिकट दे तो कहाँ से दें। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इन नेताओं में से 7 नेताओं को इस लायक नहीं समझती कि वो विधानसभा का चुनाव जीत सकें, क्योंकि 9 में से 7 नेताओं के पास अपनी कोई विधानसभा की सीट नहीं है। बेशक से सुनीता दुग्गल 2014 में रतिया सीट से चुनाव लड़कर कुछ वोटों से हार गई थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान उनकी नाराजगी को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको भी विधानसभा चुनाव में रतिया सीट पर उतारने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। यानी बीजेपी के ये 9 नेताओं की सियासत अंधकार में फंस गई है, वो सड़क पर आ गए हैं और उनकी सियासत के खत्म होने के आसार पैदा हो गए हैं। बीजेपी के इन बड़े नेताओं के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं की सियासत की अंतिम पारी और अगले पड़ाव को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बीजेपी के इन बड़े नेताओं का विधानसभा चुनाव में इंप्रेशन और इनके उपयोग को जानने के लिए, जिम्मेदारियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।